एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की और ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाएं। ब्लॉगिंग इज समथिंग इन राइटिंग विच इज सपोर्टेड बाई इमेजेस और मटेरियल। ब्लॉगिंग क्या होती है? कुछ आप टॉपिक के ऊपर कुछ लिखते हैं, उसको आप इमेजेस से और वीडियो से सपोर्ट करते हैं और आपका ब्लॉग काफी फेमस धीरे धीरे होने लगता है। ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाते हैं? आपकी वेबसाइट होगी, आपका ब्लॉग होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, उसके व्यू बढ़ेंगे, उससे आपकी अर्निंग होगी। साथ में बहुत सारी कंपनियां उस पर अपने आपके ऐड देंगी, ऐड देने से आपको पैसे मिलेंगे। इसके साथ ही आप किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को आप प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लॉग लिखते हैं फूड के ऊपर, तो आप जोमेटो को उसमें ऐड कर सकते हैं और उससे भी आपको अर्निंग अच्छी हो सकती है। और साथ ही आप किसी भी रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस को आप बेच सकते हैं या उसके बारे में आप प्रमोट कर सकते हैं या उसका एक लिंक दे सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, तो लोग जब ब्लॉग से देख के शॉपिंग करेंगे उसकी, तो उसका एक पार्ट आपको मिलेगा कमीशन या सैलरी के रूप में। और इसे कमाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। अर्निंग कितनी होती है? आपकी अर्निंग कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शुरुआत में आप इससे 8 से 10 हज़ार रुपये महीना, और धीरे धीरे जैसे आपका ब्लॉग ग्रो करेगा, फेमस होगा, तो ये कमाने के लिए अब लिए बहुत तेजी से स्पीड बढ़ती है और आपकी अर्निंग 40-50 हज़ार रुपये महीने की आराम से हो जाती है। तो बात करते हैं कि अच्छा ब्लॉग कैसे बनाया जाए और ब्लॉग से पैसे पैसे कैसे कमाए जाए। तो ब्लॉग करने से पहले या ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू हैव सम राइटिंग स्किल्स और आपका किसी भी टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर कुछ लिखेंगे, अपने थॉट्स या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और वो शेयर करेंगे आप यूजिंग अ वेबसाइट और वेब पोर्टल। इसके लिए आप गूगल ब्लॉगर को भी यूज कर सकते हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, या GoDaddy.com है, वहां भी आप ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हैं ब्लॉगिंग करने में उसका, या आप खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। शुरुआत में अच्छा रहेगा आप यूज करें ब्लॉगर या GoDaddy, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको अर्निंग हो जाएगी तो आप खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका खर्चा 5,000 से 10,000 रुपये ही आता है। अब बात करते हैं आगे कि ब्लॉग हमने डिसाइड कर लिया ब्लॉगिंग करनी है, राइटिंग स्किल्स भी हमारी अच्छी हैं, तो अब कैसे करें? ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका एक एरिया जहां पर आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आप लिखना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट करें। सेकंड, आप करें R&D अबाउट द मार्केट। आपको करनी है मार्केट रिसर्च कि वहां कौन कौन से लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, और कौन सी इन्फॉर्मेशन कम है, या ऐसा क्या कंटेंट है जो आपका यूनिक है और लोगों ने प्रोवाइड उसको नहीं किया। नंबर थ्री, आपको आइडेंटिफाई करना है आपका गोल क्या है। आपको अर्निंग करनी है, आपको खुद को फेमस करना है, या आपको खुद का बिजनेस ग्रो करना है यूजिंग योर ब्लॉग। आपने ये डिसाइड किया तो आपके थॉट्स में, कंसेप्ट में क्लैरिटी रहेगी और आपका जो पेज होगा वो क्लियर बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब क्या करना है आपको? खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी है, या मैं आपको बताया गूगल ब्लॉगर या GoDaddy का आप यूज करके अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं इनिशियली। ये आपने कर लिया, आपका बिजनेस शुरू हो गया कि ब्लॉगिंग शुरू हो गई। अब ये ट्रैफिक कैसे बढ़े, कैसे आपके व्यू बढ़े, कैसे आप इससे इनकम ज्यादा कमाओ, उसके बारे में आप बात करते हैं। तो जैसे ही आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया और थोड़ा सा डेवलप हो गया, तो अब क्या करना है आपको? उसको सोशल आईडी से, यानी कि आपका यूट्यूब है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब का यूज करके, इंस्टाग्राम का यूज करके आप लिंक बनाएंगे और अपने ब्लॉग को प्रमोट करेंगे। सेकेंड थिंग, आपको बिल्ड करनी है क्रेडिबिलिटी, कि आप जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वहां जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कंटेंट है, आपके थॉट्स है, वो कुछ मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि आपका जो मन आया आपने लिख दिया, ऐसा ना हो, मीनिंगफुल हो। और आपको ब्लॉगिंग करनी है कंसिस्टेंटली, ये नहीं आपने एक दिन ब्लॉगिंग की तो एक महीने के बाद ब्लॉगिंग की, ऐसा नहीं है। आपको डेली फटाफट अपडेट देनी है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोवाइड करना है। जितनी फास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जितनी ज़्यादा ब्लॉगिंग करोगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? SEO स्किल सीखने हैं आपको। SEO का मतलब क्या होता है आपका? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे गूगल इंजन है, सर्च करता है, तो उसके बारे में आप जानेंगे तो उससे क्या होगा, जो आप ब्लॉगिंग करेंगे या ब्लॉगिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट जो होगी वो सर्च के अंदर टॉप पे आएगी या ऊपर आएगी, और जैसे ही वो सर्च के अंदर टॉप पे या ऊपर आनी शुरू करेगी, आपका ब्लॉग क्रिएट करना शुरू करेगा। इसके ऊपर मैं अलग से SEO के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको देखना है आगे। तो आपने ये भी कर लिया तो उसके बाद एक साइट है आपकी पिंटरेस्ट, वहां भी आप अपने ब्लॉग को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जब सर्च हो गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे तो आपका नाम ऊपर आ जाए। तो पिंटरेस्ट भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका SEO अच्छा होता है और आपका ब्लॉग है जल्दी ही फेमस होता है। साथ ही आपको कम्युनिटी डेवलप करनी है, जो आपके जैसे लोग हैं, ब्लॉग लिखते हैं या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं,
आपको उनके साथ गैदरिंग करनी है, उनके साथ इवेंट्स करने हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और अपना एक माहौल बनाना है अपने ब्लॉग के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में। और लास्ट, आपको ब्लॉगिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड द वर्क यू आर डूइंग, जो आप वर्क कर रहे हैं वो, और साथ में जो आपका काम है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बिजनेस के ऑफर आने शुरू हो गए तो आपने बिना किसी कारण के या बिना किसी इंफॉर्मेशन के या आपने रिसर्च के उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्लॉग फिर डेवलप होने की जगह बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। तो बी ऑनेस्ट, बी क्रेडिबल, बी हार्ड वर्किंग, अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर स्किल्स, पॉपुलराइज, यूज सोशल मीडिया, यूज पिंटरेस्ट, यूज सर्च इंजिन, और क्या कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ब्लॉग अच्छे से ग्रो कर रहा है, और 25-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये महीने के आपके पास आराम से घर बैठे आ रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।